नमस्कार साथियों, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे एग्ज़ाम तो 3-4 दिन रह गया आर ओ 2016 का, तो बता तो नहीं सकते बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको, क्योंकि हमारी क्लासेस इन्वायरमेंट के पहले कंप्लीट हो चुकी है। जो इतिहास में इंपॉर्टेंट था बता दिए, जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट था बता दिए हैं। तो आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको शुभकामना देने के लिए कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बचे 4-5 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करके जाइए, करंट और हिंदी पर बेहद फोकस करके जाइएगा। करंट के 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके कहीं गलत ना हो, और अगर हिंदी आपका 50+ हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आपके GS में अगर 60 भी खींचते हैं करंट को छोड़ के, करंट वाले पोर्शन को, करंट वाले को मिला के अगर 80 या 90 के करीब जाते हैं तो 9, 5, 14, 140 और निगेटिव मार्किंग होने से मेरिट मैक्सिमम 120 के करीब जाएगी। तो इस तरह से तैयारी करिएगा। तो हमारा आने का पर्पज़ ये था कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता के जाएं कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ के जाएं। जैसे कि एक फेवरेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर साल आता रहता है, जो भी ब्रिटिश कालीन अधिनियम है, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है वहाँ से लेके 1946 तक, यहाँ पर आपको कम से कम एग्ज़ाम में मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और मिनिमम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इनको हम क्रम से आपको बता दे रहे हैं काम भर की चीज़ें, या आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी जो टॉपिक्स आपको पढ़ने लायक हैं वो आपको हम मेंशन कर देंगे। जैसे ये जो ब्रिटिशकालीन अधिनियम है, ठीक है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने आप से अच्छे से। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है तो मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन गलत होने पे काफ़ी खलता है कि नहीं। जैसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस को उठाया है कि इसके बारे में पूछा क्या गया है। जैसे पूछा गया है एग्ज़ाम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, यहाँ ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान इनको नियुक्त किया गया था ना, कि बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती, उनके साथ में 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। पूछता है ना किस एक्ट के अधिनियम, किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी प्लस इनके साथ 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, और दूसरी बात कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसी के अंतर्गत, ये भी याद रखना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और न्यायाधीश कौन था, ये भी कभी कभी पूछता है। पहला न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे या एलिजा इम्पे थे, ये पहले न्यायाधीश थे इस सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद फिर 1784 में जाओगे, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि हाँ देखना 1773 में, उसके बाद 1813 में चले जाइए, 1813 में क्या हुआ था, 1813 में जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रिटिश निवासियों को व्यापार करने की भारत में छूट दी गई, इसी के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति मिली। देखना, ब्रिटिश को व्यापार करने के लिए 1813 के अंतर्गत, और क्या कहते हैं, जो ईसाई मिशनरी थे इनको भी भारत में कार्य करने की अनुमति मिली इसी अधिनियम के अंतर्गत। ये यहाँ से इतना क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 1853 में आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे गवर्नर जनरल का दायरा बढ़ा दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था 1853 के अंतर्गत। ये जो बंगाल के गवर्नर थे इन्हें भारत का गवर्नर माना जाने लगा, या ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है, कार्यपालिका एवं विधायी शक्ति का पृथककरण कर दिया गया, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई इसी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद फिर 1858 का आया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद 1892 आया, 81 आया, फिर 92 आया, फिर 1909 आया, पढ़ के जाना 1909 के बाद 1919 को पढ़ लेना। 1919 इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक है, ये पढ़ के जाना। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया, आपको पता हीगा साइमन कमीशन क्यों आया। फिर साइमन कमीशन की जब वो आया उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे क्या कहते हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। फिर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1935 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है,
देख लो, थोड़ा बहुत लिख देते हैं, बस समझा रहे हैं क्योंकि अभी एक क्लास में बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन पिछले साल के पेपर को मेंशन किया या अभी करंटली जो भी एग्ज़ाम्स हुए उनसे जो है इससे क्वेश्चन आया ही आया है। और ओवरऑल अगर 1773 से आप 1946 तक अच्छे से एक साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाता है, अगर इसी में गवर्नर जनरल और कांग्रेस अधिवेशन को समाहित कर लोगे तो। ठीक है, तो 1935 में क्या हुआ, 1935 में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, ध्यान देना संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। और क्या हुआ, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। उसके बाद फिर 1942 में कौन सी घटना घटी, क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसमें क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन में संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई थी। ठीक है, और क्या किया गया था, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की गई, भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया गया इसी के अंतर्गत। और क्या हुआ, रियासतों को बोला गया कि आप स्वतंत्र हो, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चारों पांचों पॉइंट्स कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, इसको देख लेना। उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में याद रखना 3 सदस्य थे, ये ज़रूरी है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें जो 3 सदस्य थे इनका नाम याद करके जाना, कभी कभी तो 4 का नाम देके एक को हटाना रहता है। कौन कौन था, उंगली पे गिनो, पैथिक लारेंस थे, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लारेंस थे, उसके बाद कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, और एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इतिहास से रिलेटेड, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी अब आपको सिर्फ बता देते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आप देख के जाइए। ठीक है, जैसे देखने वाली चीज़ें क्या हैं, हमने पहले भी क्लास में मेंशन किया था, आप सिख संप्रदाय को देख के जाइए, ठीक है, और सूफी संतों को देख लीजिए। ये पिछली बार क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आ ही आ रहा है। और सिख संप्रदाय की बात क्या करें तो पहला सिख संप्रदाय कौन था उनके बारे में पढ़ के जाना, गुरु नानक। उसके बाद देखो गिनो, ऐसे याद कर लिया करो, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, फिर हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद। ये इतने सिख गुरु थे जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे गुरु नानक के बारे में क्या कहा जाता है, किसके समकालीन थे, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी लिपि है गुरुमुखी लिपि है, इनकी रचना थी शबद और जपजी थी, तो इस तरह की चीज़ों को कंठस्थ करके जाना। गुरु तेग बहादुर के बारे में नीचे जाओगे पूछा जाता है कि ये क्या था, तो गुरु तेग बहादुर के बारे में इनको औरंगजेब ने कहा था इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लो, तो इन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए औरंगजेब ने इनको क्या किया, मरवा दिया था या फांसी पर लटका दिया था। गुरु गोविंद के बारे में पढ़ के जाना, पंचककार, केस, कंघा, कच्छ, कृपाण, ये इन्हीं का था, पंचककार पढ़ लेना। इनकी रचना अमर, इनकी रचना भी जो भी आती होगी उसको पढ़ लेना, जफरनामा या जो भी है। तो इस तरह की चीज़ों को एग्ज़ाम में देख के जाना। उसके बाद घास के मैदान देख के जाना, घास के मैदान में क्या है, जैसे लानोज कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है, स्टेपी कहाँ है, यूरोप का है, प्रेरी कहाँ का है, उत्तर अमेरिका का है, कैंपास कहाँ का है, कैंपास जो है कहाँ का है, ब्राज़ील का है, पंपास पढ़ लेना, पंपास कहाँ का है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे का है, सिल्वास पढ़ लेना, अमेजन बेसिन का है। तो इस तरह घास के मैदान हो गए, इसको पढ़ लेना, और सारे के सारे मंडल को पढ़ के जाना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटती एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। टाइगर रिजर्व को जाते समय देख के जाना एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के देख के जाना, इस इलाके के मैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के सम्मेलन देख के जाना, एक पर्यावरणीय सम्मेलन अलग देख के जाना और दूसरा ओजोन पर सम्मेलन अलग देख के जाना, जो मॉन्ट्रियल वगैरह ये सब मैंने बताया था उसको अलग देख के जाना, ये हो जाना। और कुछ विचार हैं जिनके प्रवर्तक के बारे में आप एग्जाम में पढ़ लेना, जैसे द्वैतवाद के संपादक मध्वाचार्य थे, अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे, द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य थे और शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य थे, इसको भी एग्जाम में पढ़ के जाना। धाराओं के बारे में पढ़ लेना कि ठंडी धाराएं कौन सी हैं, गर्म धाराएं कौन सी, एग्जाम में इसको पढ़ के जाना। इस तरह की चीज़ों को पढ़ के ही जाना। विटामिन पढ़ लेना, विटामिन के रोग के बारे में पढ़ के जाना, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेना, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1905 के बब में कौन चलता है, करजन चलता है, इस तरह के शासकों के बारे में पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कांग्रेस अधिवेशन को तो पढ़ के ही जाना एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं की स्थापना कहाँ हुई या किसने कौन सा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, ये हो गया। उसके बाद फिर आर्टिकल 1 से 51 तक पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। फंडामेंटल राइट से मिलेगा,
डीपी एसपी से भी मिल सकता है, या फिर प्रस्तावना के बारे में भी क्वेश्चंस पूछता है क्रम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर करंट में पुरस्कार सूचकांक ये सब हमने बताया, खेल से क्वेश्चन आता है पुरस्कार से पढ़ लेना, नियुक्तियाँ जो करंटली हुई हैं जून जुलाई तक तो अपडेट करके जाना एग्जाम में। कुछ जनजातीय विद्रोह हैं जो हर एग्जाम में पीछे पड़े हुए हैं, पिछले 5 साल से वो आते आते हैं, जैसे उनका देता है मैच करने के लिए सत्र देता है। जैसे संथाल विद्रोह के बारे में पूछेगा तो 1855-56 में है, कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह पूछेगा 1899 में है, रांची में हुआ था। ताना हुआ था, ताना विद्रोह ताना भगत के मार्गदर्शन में 1914 में हुआ था, देख लेना। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, बुद्धो भगत के अंतर्गत हुआ था। अहोम विद्रोह था 1828 में हुआ था, गोमधर थे, गोमधर कुंवर क्या नाम था उनका, ये देख लेना। तो इस तरह ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपकी कोई कमियाँ ना आए, जैसे पादप हार्मोन से क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन को पढ़ लेना। कोशिका विज्ञान को तो थोड़ा अच्छे से बायोलॉजी में पढ़ के जाना, या फिर प्रकीर्णन विकिरण इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं भौतिक विज्ञान में, इसको पढ़ लेना। तो हमारा उद्देश्य था कि आपको शुभकामनाओं के साथ साथ पिछले 4-5 दिनों में 15-20 टॉपिक बताना, ताकि आपके 15-20 क्वेश्चंस कवर हो सकें और आप गलत होने से बच सको, या फिर आपका अगर ध्यान यहाँ पर नहीं गया तो आप अच्छा कर सको। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और सफल होकर आइए। और हमारी कोशिश रहेगी कि अभी इस ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम पूरी तरह प्रिपेयर हो, आप एग्जाम देके आओ। उसके बाद 11 अक्टूबर को फिर पीसीएस का एग्जाम पड़ेगा, हमारी करंट की सीरीज पड़ी हुई है, आप देखते रहना। एनवायरनमेंट का पढ़ा हुआ अगर कोई टीचर मिलता है तो हम उससे पढ़वाएंगे आपको कंटिन्यू। बाकी 11 अक्टूबर के बाद 12 से हम फिर कंटिन्यू हो जाएंगे यूपी पीसीएस मेंस के साथ, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी IR आपको पढ़ाएंगे और भी हमारे साथ में सोशल इशू वगैरह चीज़ें पढ़ाएंगे आपको साथ में। उसके बाद 2021 के प्री की तैयारी हम प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी मनी एनी कॉस्ट हम कराना शुरू करेंगे। धन्यवाद।